ये ग्राम चपोटा का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार पर को बनवाया है स्वर्गीय अंगनलाल दादाजी, श्रीमती बीरा देवी दादी जी, श्री दरियाप सिंह पिताजी, श्रीमती शिवदेवी माता जी की स्मृति में पुष्पा देवी और खालीराम, जो खालीराम जी भाई हैं, इन्होंने बनवाया है। 2002 में इसका निर्माण हुआ है। इस पर लिखा है मेरा गांव मेरा तीर्थ। ये आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये रास्ता जा रहा है अतरौली के लिए। तो जब आप अतरौली से आएंगे बम्बा, ये इसको बोलते हैं बम्बा, इसमें पानी बम्बा बोलते हैं इसको, अतरौली के लिए आएंगे तो बहुत हरा भरा वातावरण है। अतरौली से आप घुसेंगे गांव में तो यह प्रवेश द्वार पड़ता है। दूसरा इसका गांव का प्रवेश द्वार चौमुआ होकर है, ठीक है, जो रास्ता थोड़ा खराब चल रहा है। आगे इस इन बागों के, इन खेतों के उस पार गन्यावली गांव है, ठीक है जी, जो इस गांव का डाकखाना लगता है। भैरावद, सामने भैरावद। एक समय था जब मैं छोटा था, मुझे याद आ रहा है कि हम अतरौली से आते थे तो भैरावद गांव में होता था। गांव भैरावद गांव के बीच में एक बाग हुआ करता था आमों का, वहां से आम भी तो यहाँ पर पैदल पैदल आया करते थे। उसमें कोई साधन नहीं, चलने का साधन नहीं था, उसमें कोई साधन नहीं था इस समय, ठीक है। आपका नाम क्या था? असलम। असलम भाई, आपका नाम साहब? अनीस खान। अनीस खान, तो आपको कुछ पता है चपोटा गांव में? क्या जानते हैं चपोटा गांव में आप? चपोटा गांव में क्या आपके पास कुछ जानकारी है? क्या जानकारी है? पड़ोसी गांव में, तो गांव के लोग कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया कैसे हैं? तो क्या बढ़िया मतलब, ये बताओ ना मुझे। मतलब सब काम बढ़िया है। बढ़िया है, एक दूसरे के काम के लिए तत्पर है। अच्छा, ये हुकुम सिंह जी हैं, ये बीडीसी रहे हैं, आप बताइए आपने गांव में पिछले 25-30 साल में क्या देखा है परिवर्तन? परिवर्तन है, अब रोड है यहाँ के लिए, पहले पैदल जाते थे। हाँ, अब पढ़ाई लिखाई में भी मतलब सड़क अच्छी बन गई है, लोग पढ़ रहे हैं। अच्छी है। हाँ, स्कूल भी है गांव में, स्कूल भी गांव में अच्छा है, तो लोग पढ़ रहे हैं। पशु चिकित्सालय भी है गाँव में, उससे भी बहुत अच्छी सुविधा है, पहले ये सुविधा नहीं थी। ओके, बहुत सारे परिवर्तन है। ओके, बहुत सारे परिवर्तन गाँव के। आप कहाँ के हो? क्या नाम है आपका? कपिल। आपका नाम? अनमोल। आपका? धीरज। आपका? सब तीनों चपोटा के हो? यहाँ मस्ती मारने आए यहाँ पर क्या? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर कोचिंग में जा रहे हैं, मतलब मस्ती मारने नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई संग मस्ती करनी चाहिए ना। अगर आप मस्ती में पढ़ाई करेंगे तो बढ़िया पढ़ाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। गंभीर रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाती ठीक से, है ना। तो आप ऐसे किस क्लास में हैं? फर्स्ट ईयर में। बहुत बढ़िया। आप? फर्स्ट ईयर में। आप? इंटर में हो। इंटर बोर्ड का आपकी पता है ना, तैयारी पूरी है? 16 फरवरी तैयारी है ना पूरी। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों नमस्कार, आज मैं फिर से अपने गांव चपोटा में हूँ। चपोटा आपको बताया कि तहसील अतरौली के अंतर्गत अलीगढ़ जिला का एक गाँव है। इस पर एक पूरी पुस्तक आने वाली है, और ये हमारी बहन जी हैं जो सत्यवती, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला हैं, लेकिन पूरी तरह चैतन्य रहती हैं, उनको खूब सुनाई पड़ता है, खूब डट के खाना खाती हैं ये, इसमें कोई कमी नहीं है, देखो देखो ये। और खूब दूध पीती हैं, और पूरी जो है मौज कर रही है। और इनसे हर कोई डरता है, हम भी डरते हैं इनसे थोड़ा बहुत, तो हम भी डर जाते हैं, पर जो है बहुत प्रेम करती हैं। देखो ये बैठ गई, देखो यहाँ पर ये है ना, ये गांव की गलियां आपको दिखा रहा हूं मैं। और हमारी जीजी के घर में नींबू का एक पेड़ लगा हुआ है, जिससे बारह मास नींबू आते हैं। बड़ी खास बात यह है, देखिए कौवे गांव में, कौवे भी हैं। हाँ, देखो आगरा में कौवे नहीं है, पर गांव में कौवे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। देखिए गांव में ये शॉल बेचने वाला आया हुआ है, जिसने 300 रुपये की शॉल जो है दी है ना। पर हमारी बहन जी को चमकनी वाली शॉल पसंद नहीं है, मोती इस पे लगे होते हैं। और आपको बता दूं, हमारे जो गांव में रिश्ता है, हमारी बहन जी का कांड बना हुआ है, जब भी बुलाओ ये भागी चली आती हैं। पर इस बार खुद नहीं आई, बोले नहीं तुमको आना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, तो मैं उनको छोड़ने आए हुए हैं यहाँ पर जो है बेटे की शादी के बाद से। अब तो अभी नहीं। देखिए इनकी बोली बड़ी प्यारी है, देखिए आप, बहुत शानदार है इनकी बोली, लोग सुनते हैं बहुत आनंद लेते हैं।
ये गांव की गली मैं आपको दिखा रहा हूँ, चपोटा गांव की गली। इसी गांव में खाली राम जी रहते हैं जो आरएसएस के प्रचारक हैं, और इसमें विद्या भारती के संगठन मंत्री हैं जिनका केंद्र पटना में है, झारखंड और बिहार प्रदेश के वो विद्या भारती संगठन मंत्री हैं। ये अंकिता हैं, इनसे मैंने कहा था कि भाई कुछ गांव के बारे में लिख के भेजो, पर इन्होंने मुझे ये मीठी मीठी देते रहे, बोले हाँ कहाँ चाचा जी भेज रहे हैं, उन्होंने कुछ भेजा, लिख के भेजा नहीं है ना। अलग एक ट्री वाला आ गया मेरी यहाँ पर, भगवान खड़ा हुआ है, कैसे निकलेगा यहाँ से, देखिए आप। देखिए ये मेरे गांव का सीन है, यहाँ भैंस बंधी हुई है और नलकूप पर दो लोग स्नान कर रहे हैं, वस्त्र कपड़े धो रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर मकान हैं, झोपड़ी भी हैं, और ये जंतु मंजन का बोर्ड लगा हुआ। गांव की छत पर देखिए कंधे कंडे पाते जा रहे हैं। यह गांव के बीच में एक मंदिर भी बना हुआ है। पर इसमें भगवान शिव शिवलिंग नहीं है, इसमें शायद इसलिए मंदिर बंद है। ये पहले गांव में कभी हुआ करते थे कुएं, अब उनका स्थान हैंडपंप ने ले लिया है। के परिक्रमा मार्ग पर है और ये घर है खलीराम जी का। हाँ, इधर गली। आप बता दूंगा, उधर दिखा जरा, इधर दिखाओ। ये घर जो है इस गली में घर, अंतिम घर जो है खलीराम जी का है, जो आरएसएस के प्रचारक भी हैं, ठीक है ना। ये गली, इसमें अंतिम जो घर है इस गली में, वो माननीय खलीराम जी का घर है, जो आरएसएस के प्रचारक हैं, उनके कारण गांव की बहुत अधिक ख्याति हुई है। और इसमें हम गांव के परिक्रमा मार्ग पर हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो में गांव का परिक्रमा मार्ग। और आगे एक फोटो फोटो खींच लो साथ में, ठीक है। ये जो है परिक्रमा मार्ग, देखिए गांव के कितने अच्छे अच्छे घर गांव में बने हुए हैं, सब घर पक्के हैं और बहुत ही शानदार, सब बढ़िया चल रहा, सब कुछ बड़े बड़े फाटक, सब पक्के घर, बिल्कुल बहुत ही अच्छे अच्छे घर गांव में बने हुए हैं। ये मंदिर है, देखिए मैं इस मंदिर के लिए गांव में आज आया हुआ हूँ, इस मंदिर का और गांव के प्रवेश द्वार का मुझे फ़ोटो खींचना है, तो मैं भी यहाँ पर अपना वाहन पार्क करता हूँ। और अब अच्छा, ओके, ये गांव चपोटा का मंदिर है, और इस मंदिर की स्थापना में खलीराम जी का बड़ा भारी योगदान है, पूरे गांव का योगदान इस गांव में है। और देखिए इस गांव मंदिर के ऊपर, सबसे ऊपर एक अत्यंत सुंदर बात लिखी हुई, इसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजकस्त तत्र दुर्लभ। अर्थात संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बनाया जा सके, ऐसा कोई पौधा नहीं से औषधि न बनाई जा सके, उसी तरह संसार में कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, उन्हें योजना में लगाने वाले दुर्लभ हैं। देखिए एक ये सुंदर कांड का एक चौपाई इस पर लिखी हुई है, दो चौपाइयाँ, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। सुंदर कांड की चौपाई इस पर लिखी हुई है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चौं ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें इस मंदिर पर लिखी हुई हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार है दूसरे की भलाई, वो इस मंदिर पर देख सकते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देखिए मंदिर ऊपर जाकर मंदिर बना हुआ है ना, ये मंदिर
लेकिन मेरे साथ गांव के कुछ युवा मौजूद हैं और कहते हैं भारत युवाओं का देश है, युवाओं की शक्ति से भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बनेगा। मैं आपका शुभ नाम क्या है बॉस? रामदेव सिंह। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, घर ही रहता। अच्छा, नहीं खेती करते हो? नहीं करते हाँ। खेती करना कुछ नहीं करना, सबसे काम बड़ा काम तो खेती करना होता है। आपका नाम? कुलदीप। कुलदीप भाई आप क्या करते हैं? टेलर का काम। बहुत बढ़िया। आपका नाम? कैलाश कुमार। क्या करते हैं आप? ये खेती बाड़ी। खेती करते हैं, बहुत बढ़िया। आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार क्या करते हैं आप? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री, बहुत बढ़िया। राजमिस्त्री ज्यादा है हमने देखा गाँव में ना, ये मोहन सिंह और ये सुमेरा वगैरह सब राजमिस्त्री करते हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं, है ना। आपका नाम अंकिता है? हाँ। अंकिता सिंह आप क्या करते हैं? नर्सिंग केयर जॉब कर रही हूँ। नर्सिंग केयर दिल्ली में जॉब करते हैं। कितनी बड़ी बात है, गांव से एक बच्ची जो है निकल के दिल्ली तक पहुंच गई है। जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है ना, जो पढ़ा है वो आगे बढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ा आगे नहीं बढ़ रहा। तो इस मंदिर, ये मंदिर इसके फर्स्ट फ्लोर पर मंदिर है इसके ना, मंदिर में क्या किसकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं? राधा कृष्ण जी की। अच्छा, श्री राम की मूर्ति। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप लोग जाते हैं मंदिर में पूजा करने या दर्शन करने जाते हैं? मंदिर की स्थापना किसने कराई थी? खैरे ने कराई, बाकी लोगों ने सहयोग किया, गांव के लोगों ने सबने सबने सहयोग किया। यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं मंदिर पर? मंदिर में कार्यक्रम होते रहते हैं, ठीक है। तो इस मंदिर में कभी लोग बैठते हैं मिलके जुल के, क्या करते हैं? अच्छा, हर सोमवार को यहाँ बैठते हैं सारे लोग। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है सारी। तो देखिए मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं, तो ये सब बहुत अच्छी बात है, अच्छा मंदिर बन गया यहाँ पर जो है। ये गांव के युवा हैं जो उन्होंने मंदिर के बारे में जानकारी दी है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम क्या करते हो आप? पढ़ाई। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बताओ? फर्स्ट। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? फर्स्ट में। फर्स्ट में पढ़ते हो? प्रथम में नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते पढ़ते प्रथम। कौन से स्कूल में जाते हो पढ़ने? सरस्वती ज्ञान मंदिर। यहाँ कहाँ पर है ये? कदौली। कदौली गांव में स्कूल नहीं है कोई? तो गांव में कौन नहीं पढ़ते हो? हम तो भाई गांव तो यहाँ पहले पढ़ते थे हैबतपुर में, ठीक है। फिर गांव में खुले गांव में पढ़े, फिर हम चले गए बाहर हरदोई पढ़े, फिर आगरा पढ़े, फिर पढ़ गए आ गए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात। सब लोग पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो? इधर आओ। एक बच्चे को शर्मा रही है ये मुझे देख के। फिर मैं भी आदमी भाई, मैं जानवर नहीं हूँ। हैं चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी। गाँव में आज भी सशक्तिकरण है, देखो महिलाएं खूब काम करती हैं गांव में, और उन्हें काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं। जरा सी बच्ची अपना परिवार का हाथ बटा रही है। ये गांव का अंतिम छोर है और यहाँ से आप सीधे खेतों की ओर निकल जाते हैं। ये इस समय हम लोग गांव के परिक्रमा मार्ग पर हैं, और गांव में देखिए बहुत सारी कार्य भी गांव में हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि मेरा गांव समृद्धि की ओर लगातार बढ़ रहा है। सुंदर सुंदर मकान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गांव अत्यंत सुंदर और समृद्ध है। अब बेटा प्रवेश द्वार रह गया, अब प्रवेश द्वार काम में लगा गए? नहीं, वो तो बिल्कुल बाहर है गांव के, आप वहां से फिर सीधे निकल जाइएगा। हां ठीक है, बता देना कहां वहां से निकल जाएगा। ठीक है, नीर पे जाना है सामने से। ये उनकी सिस्टम। ये वाली आज से मिल गया, एक बंदा शादी थी ना चाचा जी के बेटे की, तो बुला के ले गए थे अभी। बहुत बढ़िया है। तो एक गांव पे पूरी किताब आ रही है। अच्छा, गाँव का पूरी किताब लिखी हमने। अच्छा अच्छा, तो मैं और बना लूँ वीडियो, बना लूँ कुछ चीज़ें देखना यहाँ पर। सही है, बढ़िया है। और बढ़िया है ना भी। और क्या बन जाए तो मैं गाँव की। और क्या, पूरे गांव की स्टोरी आई है, गांव में हम लोग कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे गांव की कहानी क्या है, गांव की स्टोरी क्या है, और गांव में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, महिलाएं कितना काम करती हैं। काम तो भैया आती है सब, महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं गाँव में। महिला हाँ,
आदमी आदमी खेतन में करता है। खेतों में काम रोज क्या होता है, खेतों में काम कभी कभी आता है, साल में तीन बार आया चलती रहता हुआ था खेतन भैया। रोज काम करना है, रोज दूध रोज करना है, रोज गेहूँ रोज ना गेहूँ ना रोज करना है, हाँ गोबर कूड़ा और पैसे तो होते रहते ना सब चीज। अब खेत खाली कौन से रहते हैं, कोई ना सब चीज बबर रहता है। मेरे गांव चपोटा का स्कूल है, स्कूल में छुट्टी हो चुकी है, बच्चे अपने घर जा रहे थे तो मैंने बच्चों को अचानक रोक लिया, इसलिए कहा कि कंपोजिट विद्यालय चपोटा विकासखंड अतरौली अलीगढ़ बहुत बढ़िया अंदर से बना हुआ है विद्यालय जो है, आप देख सकते हैं पीपल का ये वृक्ष है और स्कूल ठीक बना है, मतलब जैसा होता है गांव में आमतौर पर स्कूल, अंदर जो है पौधारोपण हुआ है पर वो पौधों की देखभाल नहीं की, पौधा खराब हुआ, हैंडपम्प लगा हुआ है और बच्चों के जाने के ठीक सा रास्ता है, अच्छे विद्यालय बहुत कुछ अच्छी है, आंगनबाड़ी भी यहीं चलता है, आंगनबाड़ी केंद्र भी यहीं पर है, लोक शिक्षा केंद्र चपोटा यहीं पर है, ठीक है ना। अब बहुत सारी बातें हैं, तो आप बच्चे स्कूल में पढ़ते हो आप लोग, आपका नाम क्या है? नीरू। आपका? प्रतिभा। प्रतिभा अच्छा नाम है। हाँ लक्ष्मी। ओहो माँ लक्ष्मी, कुछ पैसे से दो हमें, लक्ष्मी तो पैसे देती है, लक्ष्मी तो पैसे देती है ना, कुछ पैसे लाओ लक्ष्मी हो तो। हाँ आपका नाम? खुशी। खुशी हाँ, चेहरे पे खुशी चमक रही है इसके तो देखो। हाँ आई महक नहीं आई। हाँ लवली, बहुत प्यारा नाम है लवली। हाँ बेटा है, क्या नाम है, सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। सरस्वती की सरस्वती है। हाँ साक्षी। हाँ गायत्री। ओहो माँ गायत्री, गायत्री माँ, गायत्री मंत्र पता आपको पता है, गायत्री मंत्र बताना चाहिए आपको नाम गायत्री है तो। हाँ हीरा रानी है, हीरा रानी। वाह हीरा रानी। खाना नहीं मिला इसको, खा रही है। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी तो खुशी नाम के दो हो गए, कौन कौन? नाम खुशबू है। खुशबू खुशी है, ओके। तो आप कौन सी क्लास में हो, कहाँ लक्ष्मी कहाँ गई, कौन सी क्लास में हो तुम? तुम क्लास चार में हो। क्या 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 तुमको पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, हिंदी और अंग्रेजी? हाँ गणित और साइंस। हाँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल में किस समय कब खुलता है स्कूल, है 9 बजे बंद किस समय होता है? तीन बज गए क्या, देखो 3 बजे। हाँ मतलब 3 बजे पहले बंद हो गया स्कूल, 3-4 हो रहा है मतलब, स्कूल तो पहले से बंद है, तो बच्चे से निकल लिए यहाँ से। हाँ ये तो 11-9 बजे सब सब मास्टर आते हैं, कितने मास्टर यहाँ पर हैं? एक मास्टर खाली स्कूल में, मास्टर ये का मैडम है और नहीं, टीचर तो बहुत सारे होंगे, टीचर तो बहुत सारे होंगे ना, तो वही तो कह रहा हूँ यार। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग पढ़ाई करो और पढ़ के बताओ तुम लोग पढ़कर क्या बनना चाहते हो, बताओ पढ़कर क्या बनना चाहते हो तुम बताओ। मैडम मतलब बना जाती हूँ, टीचर बना जाती हूँ, टीचर। अच्छा आप सरस्वती नहीं बोलेगी। हाँ टीचर। हाँ आप टीचर, मैं टीचर बन जाऊँगी, लक्ष्मी टीचर कहाँ होती है, टीचर तो सरस्वती होती है, लक्ष्मी तो पैसे कमाती है, पैसे बांटती है लोगों को। हाँ आप क्या बनना चाहते हो, आप पढ़कर क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर नेता, नेता बन, नेता बन, नेता बनोगे नेता। हाँ शादी करोगे पढ़ के, हैं टीचर बनना, दोस्ती वाला सब चीज़ें बोल रहे हैं, तुम बताओ लक्ष्मी। डॉक्टर बनना चाहती हो, बहुत बढ़िया डॉक्टर। हाँ फौजी बनना चाहते हो, शाबाश, ये बात ही जो फौजी बनना चाहते हैं बहुत दमखम वाले व्यक्ति होते हैं, है ना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, फौजी बन लो। हमारे ये भी जो फौजी बनना चाहता है, इनका भी टेस्ट हुआ है दिल्ली में, देखे आया कल, ये भी फौजी तैयारी कर रहे हैं फौज की, तो फौज के लिए बताया ना, बहुत दौड़ना पड़ता है, शारीरिक शक्ति चाहिए,
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग खूब पढ़ो, जम के पढ़ो, जम के पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे ना। मतलब घर में अगर माता पिता पढ़ने से रोकें तब भी मत मानो, पढ़ो जरूर। अगर माँ बाप रोकते हैं कि पढ़ाई मत करो, ये जल्दी शादी करने की बात, तब भी उनका विरोध करो, नहीं हमें नहीं करनी शादी, हमें पढ़ना है। और नहीं माने तो शिकायत कर दो पुलिस में, या शिकायत करो हमें वहाँ पढ़ना है। तो सरकार सबको पढ़ना चाहती है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, वर्दी फ्री है, किताबें फ्री मिलती हैं, खाना भी मिलता है, वजीफा मिलता है, सब कुछ है ना। सरकार बहुत सारे काम कर रही है बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो सबको पढ़ना है, ठीक है ना। घर में कोई ऐसा हो जो पढ़ता नहीं हो, घर में ऐसा कोई है जो पढ़ता नहीं हो, सब पढ़ते हैं ना। हाँ, सबको पढ़ाओ बेटा, ठीक है ना, ओके। ये मेरे गाँव के खेत हैं, आप देख रहे हैं कि चारों ओर बसंत ऋतु छाई हुई है, ऐसा लग रहा है पीली पीली सरसों फूली हुई है, गेहूँ और सरसों खेत पूरी तरह हरियाली चारों ओर छाई हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से हरियाली से आच्छादित हैं सारे खेत, चिड़ियाँ जचा रही हैं, इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं गाँवों में, शहर में इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, चिड़ियाँ हम पर गाँव में उनको दिखाई दे रही हैं। ये है चौपेरा, चपोटा का चौपेरा इसको कह सकते हैं, कि अतरौली की ओर से आने वाले मार्ग का यह प्रवेश द्वार भी है चौपेरा गांव। ये देखिए, ये पशुओं से खेतों को बचाने के लिए व्यवस्था कर रखी है कि यहाँ पर साड़ियाँ जो हैं बांध रखी हैं ताकि पशुओं को खेतों से बचाया जा सके। ये देखिए इस तरह से, ये है चौपेरा। बस क्या नाम है आपका? आपका देवेंद्र। आपको कुछ पता है गांव की इतिहास के बारे में, चपोटा के इतिहास के बारे में, चौपेरा के इतिहास के बारे में? जानकारी नहीं है बिल्कुल आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं भानु प्रताप सिंह हूँ, मैं एक पूरी किताब लिख रहा हूँ गाँव के बारे में, ठीक है, उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हाँ जी बहन जी, आपका नाम क्या है? नाम बताओ। सत्यवती। तो यहाँ क्या बेटी है, बहू है, क्या है? गाँव की बहू है। ओके, तो यहाँ आप वैसे आपका गाँव कौन सा है? नगला धीमर, धीमर का नगला। अब कब शादी हुई है आपकी? मेरी शादी को 18 साल चल रही है। 18 साल हो गए? मेरी शादी को 34 साल हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये तो ये चौपेरे का सीन है, देखिए आप। तो अभी होता क्या है, इसका पुस्तक बनी है।